सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राजस्थान ट्रिप के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा एग्जर्शन हो गया था, एक दो दिन तबीयत भी ख़राब रही तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। आज ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एक और सरप्राइज़ ब्लॉग के साथ। थंबनेल थोड़ा सा सरप्राइजिंग मैं रखूँगा, बट थोड़ा सा मैं ऐसा भी रखूँगा कि आपको सस्पेंस बना रहे। तो अभी तो चेंज कर रहा हूँ अपना गेटअप। अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स के बाद मैं क्लीन सेव करा रहा हूँ, तो कराते हैं क्लीन सेव। बार को मैंने घर पर ही कॉल कर लिया था, आ गए हैं। फिर थोड़ा शॉर्ट कराऊंगा और शेप को क्लीन कराऊंगा, तो मिलते हैं अब न्यू लुक के साथ, यानी ये पूरा लुक चेंज हो चुका होगा। हे गाइस, चेंज हो गया है मेरा लुक, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स के बाद मैंने क्लीन सेव की है। मेरे को काफ़ी चेहरा ख़राब लग रहा है अपना, लेकिन ये सारे लोग कह रहे हैं सही है, 2-1 दिन ख़राब लगेगा, फिर हल्की हल्की जो शॉर्ट आग जाएगी तो थोड़ा सही लगने लगेगा चेहरा। क्योंकि ऐसे ही बस मैं रख रहा था, नहीं करना चाह रहा था क्लीन। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो आपको मिलेगा कल मॉर्निंग में। तो इस ब्लॉग के साथ बने रहें। आज हम चल रहे हैं बरेली, बरेली जाएंगे और वहाँ कुछ शॉपिंग करनी है, फिर निकलते हैं। शाम को जाते हैं अपनी कैपिटल सिटी, तो कवर करते हैं सारी जर्नी को, दिखाते हैं आपको। बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। सो गाइस, जैसे ही जाने का टाइम आया, बहुत अच्छी बारिश आ गई, अच्छा सिंबल होता है। काफ़ी तेज़ बारिश है और टाइम अभी हुआ है 9:33। देख सकते हैं आप कितनी भयंकर बारिश हो रही है। तो निकलना हूँ गाइस, बारिश अभी जो है बंद हो गई है। मम्मी साथ में है, दादी वो है, ठीक है मम्मी है। तो सरप्राइज बड़ा है, बाद में ही बताऊंगा आपको। सो गाइस, आ गया हूँ यहाँ बरेली रोड पर और थोड़ी सी पैकिंग करनी है, इसके बाद निकल जाएंगे 20 मिनट्स में। चेहरा मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, काफ़ी टाइम से सेव रखी हुई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लग रहा हूँ, कार्टून लग रहा हूँ तो कार्टून कमेंट कीजिएगा, ठीक लग रहा हूँ तो ठीक कमेंट कीजिएगा। तो करते हैं पैकिंग, चलते हैं फिर। तो ये हो रही है हमारी पैकिंग। एक ये बैग ले जाना है, ये कपड़े करने हैं मुझे इस बैग में, तो करता हूँ जल्दी से पैक और निकलते हैं। सो गाइस, हो गई है पैकिंग डन और निकल गए हम बरेली के लिए। बरेली में हमारा एक ही मॉल है, फिनिक्स मॉल, वहाँ जाएंगे। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी है तो वो वहीं से ले लेते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मार्केट में जाने का मन नहीं हो रहा है। तो पहुँचते हैं सीधे फिनिक्स मॉल। गाइस, पहुँच गए हम लोग फिनिक्स मॉल और काफ़ी जल्दी में है, तो आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हैं कि थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मुझे एक बस कैच करनी है। तो अभी चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर पहुँचते हैं बस पर अपनी। सो गाइस, हो गई है हमारी शॉपिंग और अभी मुझे ये शर्ट चेंज करनी है, तो मैं कार में चेंज कर लूँगा और निकलते हैं। काफ़ी जल्दी में हूँ मैं, 3 बजे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे मुझे अपनी बस कैच करनी है। तो पहुंचते हैं रफ्तार से सैटेलाइट। तो गाइज, आ गए हैं हम लोग सैटेलाइट, ये लोग ड्रॉप करने आए हैं। सक्षम आया और शेखर आया है। हमारी शताब्दी बस जाती है यहाँ से, तो अभी पैक करते हैं अपना सामान वामान बस में, फिर बैठते हैं। एग्जैक्ट 301 और हमारी बस निकल रही है बरेली टू डेल्ही।
40 मिनट और मैं पहुंच गया हूं दिल्ली रूट के सबसे मशहूर ढाबा सिवा ढाबा पर, जो काफ़ी मशहूर है इस रोड का। तो देख सकते हैं पीछे है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलते हैं कुछ खाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया था, लंच नहीं कर पाए हम लोग जल्दीबाजी में, पैकिंग में लगे रहे पहले, फिर शॉपिंग में बिजी रहे, तो अभी खाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट बस रुकेगी यहाँ पर, तो कुछ खाकर निकलते हैं। तो ये है इनका मेन्यू कार्ड जो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सारा पेजेस हैं, तो मैं जल्दी से देखता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो करता हूँ ऑर्डर, फिर दिखाता हूँ आपको मैं क्या ऑर्डर। अच्छा एम्बियंस है इनका, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस ढाबे पर, लेकिन इसका नाम मैंने बहुत सुना था वीडियोज़ में और कुछ रील्स में, और वैसा ही है जैसा इसका नाम सुना था। बट पता नहीं क्या एयरटेल में प्रॉब्लम आ रही है, एयरटेल में एज नेटवर्क आ रहा है, 4G नहीं वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से बैटरी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, और 37% बैटरी रह गई है अभी सर मेरी। तो 10 मिनट्स लगेंगे मेरा खाना सर्व होने में, तो आता है खाना, जल्दी से खाना खाऊं, फिर बस में चार्ज करने की सोचो कि चार्ज हो जाए, कि दिल्ली पहुँचने में अभी आई थिंक मेरे को लगेंगे 1.5 आवर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है दिल्ली पहुँचने में इस बस के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइमिंग जो ट्रेन के सॉरी बस की टिकट कीजिए वो 8:30 यही है कि दिल्ली पहुंचा देगी, और अभी 6:56 हुआ है। पहले ऑर्डर की थी मैंने कॉफ़ी, तो ये आ गई है हमारी कॉफ़ी, काफ़ी क्वांटिटी कम है, साइज़ बहुत छोटा है, प्राइस ज़्यादा है, मैं आपको बता दूंगा प्राइस जब मैं पहुंचूंगा बस में। पहले पीता हूं कॉफ़ी, फिर आएगा हमारा भाई, लंच ही होगा, लेट हो गया है। सो गाइस आ गया है हमारा लंच, मैंने ऑर्डर की थी एक इनकी स्पेशल थाली, जिसमें दो ये चपाती जिन्होंने दी हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, नहीं पता है कौन कौन सी सब्जियां हैं, राइस हैं, पिकल साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो करता हूँ फिनिश, फिर हम डिस्कस करते हैं इनके टेस्ट के बारे में, कि जितना इनका नाम है क्या इनका टेस्ट भी वैसा ही है। सो गाइस हो गया है मेरा खाना, और खाना काफ़ी टेस्टी था, जैसा नाम है वैसा ही यहाँ का टेस्ट है, बस ये था काफ़ी ज़्यादा ऑयली खाना आया, तो जिनको ऑयली नहीं पसंद है आई थिंक वो नहीं खाना यहाँ का पसंद करेंगे। और अगर मैं बात करूं प्राइस की, प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने जो थाली ऑर्डर की थी वो 260 रुपीज़ की थी, कॉफ़ी मेरे को थोड़ी कॉस्टली लगी है 60 रुपीज़ में, उतना अच्छा टेस्ट नहीं था जितना होना चाहिए 60 रुपीज़ में। तो बाकी सब कुछ अच्छा है, एम्बियंस तो बहुत प्यारा है, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स लगे हुए हैं पीछे, आप देख सकते हैं साइड, काफ़ी अच्छा है, जैसा नाम सुना था वैसा ही है। तो अभी चलते हैं अपनी बस में और पहुँचते हैं कितनी देर में दिल्ली। सो टाइम हो गया है 7:33 और निकल रही है हमारी बस यहाँ से, देखते हैं कितनी देर में हम दिल्ली पहुँचते हैं। काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, बैठे बैठे पैरों में दर्द होने लगता है, शताब्दी बसेस की जो सीट्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। ढाबा देख सकते हैं आप कितना प्यारा है, काफ़ी स्पेस रहता है यहाँ पार्किंग करने के लिए, बच्चों के साथ टाइम पास करने के लिए स्विंग्स लगे हुए हैं बहुत सारे, सारे स्टॉल अवेलेबल हैं, आइसक्रीम आपको खानी हो या शॉपिंग करनी हो कुछ भी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है फ़र्स्ट टाइम विजिट में ये ढाबा, आप लोग कभी आते हैं या आप लोग आए हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये ढाबा। तो चलते हैं अब दिल्ली के लिए, पहुँचते हैं रफ्तार से दिल्ली। तो अभी रिसेप्शन पे हूँ, रूम जो है वो रेडी नहीं है बोल रहे हैं, तो वेट कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 10-20 मिनट्स लगेंगे।
फिर चलते हैं। सो गाइस फाइनली आ गया हूँ रूम में और टाइम हुआ है 10:50। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और पता नहीं किसकी कॉल, देखता हूँ किसकी कॉल है भाई। हेलो, लेट मी चेक, बोल रहे हैं बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, चेक करता हूँ, खुल तो रहा है मेरा। चलिए तो पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रूम मैंने बुक किया था मेक माई ट्रिप से, क्योंकि मैंने सोचा था एडवांस में ही बुकिंग कर लेता हूँ, कल 15 अगस्त है, ऐसा ना हो यहाँ ये सारे रूम या होटल्स जो हैं ओवर क्राउडेड हो जाएँ। तो पहले आपको दिखाता हूँ रूम। तो ये इस लिफ्ट से मैं अंदर और ये है हमारा रूम। ये देख सकते हैं फर्स्ट क्लास छोटा सा रूम है, कबर्ड दे रखी है, ये मेरा बैग है और ये एक छोटा सा कॉर्नर टेबल दी हुई है, एक ही सेंटर टेबल दी हुई है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा मिरर, टीवी लगी हुई है और एसी चल रही है यहाँ पे। तो छोटा सा रूम है, मुझे तो एक ही रात काटनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। हाँ अगर 2 या 3 लोग होते तब भी काम चल जाता। और ये है यहाँ का वॉशरूम, वॉशरूम भी छोटा सा ही है, वैसे भी जब सिर्फ एक नाइट काटनी हो तो अच्छा ही रहता है छोटा ही रूम लेना। और ये मुझे पड़ा है 1180 का। चेहरा मुझे बिल्कुल अपना अच्छा नहीं लग रहा है, जितनी बार भी देख रहा हूँ मुझे अपनी सेब की बड़ी याद आ रही है, बहुत मिस कर रहा हूँ उस सेब को। तो डिनर मैंने कर लिया था, पानी की बोतल में भी बोल दूंगा उनको, पानी पीऊँगा, थोड़ा सा एग्जर्शन भी हो चुका है, आराम से सोऊंगा, कल सुबह मस्त उठूंगा। तो इसी के साथ एंड अप करते हैं आज के इस ब्लॉग को। कल के लिए आपका एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, आप देखेंगे कल के ब्लॉग में। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब तो आपको बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय हिंद की सेना।